हिंदू और मुस्लिम में दंगा करवाना है, क्योंकि 24 में दिल्ली की कुर्सी पे उसका निशाना है। कैसे हटाओगे? ईवीएम उसके हाथ में, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, कैसे करोगे? पुलिस लगा देगा। शिबु सोरेन, हेमंत सोरेन साहब, झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत की सरकार, आज भाषी है, पसंद नहीं आ रहा, दिखा रहे हैं। मैंने ऊपर राष्ट्रपति बैठा दिया, राष्ट्रपति बैठा दिया, आदिवासी मंदिर में नहीं घुसने दिया। अब कहने का मतलब ये बीजेपी और आरएसएस कानून से ऊपर है, वो दंगा करते हैं, उनकी पार्टी का सांसद इंटरनेशनल बेटियों को जो खिलाड़ी है छेड़छाड़ के बाद बाहर घूम रहा है और लोगों पे बहाने ढूंढे जा रहे हैं किस आधार पर इनको जेल भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश राजपूत जी, आई आर सिंह यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि श्री फजील अहमद साहब, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पे हैं, आप यहाँ मंच पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आदरणीय वकील साहब ने बहुत कुछ कहा, बड़े विस्तार में बताया, और जो मुझे समझ आया दो शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, नफरत फैला रहे हैं जो मजहब के नाम पर, नफरत फैलाने वालों से मजहब बचाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, ये नफरत फैलाने वालों को जल्दी हटाइए। और उसी के लिए ईवीएम पे हम आ गए हैं, यानी देश के हालात। मैं दो लाइन और कहना चाहूंगा कि नफरत, हिंसा, गुंडागर्दी आज देश में जारी है, आरक्षण जो छीन रहे हैं उनसे जंग हमारी है। साथियों, बात यहां आ गई, ये सारे बीमारी की जड़े ईवीएम है। अगर ये ईवीएम उनके हाथ में नहीं होता तो इतना बड़ा उताना सा नहीं होता। धर्म पे बात किया भाई मुकेश जी ने, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम क्या करें, वो गलती करके मंदिर के पीछे छुप जाता है और जब हम चिल्लाते तो कहता है देखो राम को गाली दे रहे हैं, वो सामने नहीं आता। इतना बड़ा कायर है, आज तक मीडिया के सामने नहीं आया, इस देश का प्रधानमंत्री, किसी पत्रकार के सामने नहीं आया, उधर तो आदमी 10 साल में 9 साल 9 महीने बीत गए जुर्म करते करते उस बंदे को, एक बार सामना तो करो पत्रकारों का। लेकिन असली पत्रकार तो हमारे सामने है, बहादुर है, जो जनता की आवाज है, वो कह रहे 400 पार। मैं उन्हें से पूछता हूँ पुलवामा में हत्यारे का नाम बता दो, आज ही बता रहे 400 पाऊंगा, तो पुलवामा के हत्यारों का नाम बताओ, जांच कौन कौन नहीं कर रहा, इसमें मिला कौन, उसका नाम बताओ। उनके पास पर्ची निकालने वाला भी है। कहने का मतलब है सारे के सारे मिले हैं। और एक लाइन और बोलूंगा, फिर ईवीएम पे पूछूंगा, देश के हालात यूं हैं, एक कानून भाजपा और आरएसएस का है, एक हम सबका है। बीजेपी और आरएसएस कानून से ऊपर है, खुलेआम महिलाओं पे अपराध करते हैं, वो सारे अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी अयोध्या में बैठ के राम की पूजा कर रहे, सारे जितने आसाराम, पलटू राम, जितने भी थे वो सब जुटे थे और कह रहे राम धर्म की स्थापना कर रहा। धर्म के हेड होते हैं शंकराचार्य सनातन धर्म में, एक सारे धर्माचार्य उन्हें विरोध किया कि मंदिर गलत बन रहा है, वो मानता ही नहीं, मोदी है कि मानता ही नहीं, कैसे मानेगा, इस पे विचार करना है। अहंकार उनका, सैनिक हमारे रोब उजाड़ता, पुलिस हमारे घर की रोब उसका दिखता है, इतना कमजोर इस देश की जनता को ना समझे, लेकिन हम कानून मानते हैं, वो कानून से ऊपर हो गया। जब भाजपा का कोई अपराधी होता है तो बरी हो जाता है,
अरे विश्व शर्मा आसाम का कहते थे कि अपराधी, अब मुख्यमंत्री हो गया, गंगा की धारा हो गया। अभी महिला से परिवार नियोजन पर नीतीश जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, पूरी भाजपा ताली बजा रही थी महिला पुरुष सब। क्या कह रहे थे कि नीतीश तो इतना गलत है, मां बहनों का मान बिगाड़ दिया, आज उनकी गोदी में बैठ गया, गंगा की धारा हो गया। कहने का मतलब उनका एक सिद्धांत है, हमारे देश में दो कानून अब नहीं चलेगा, एक भाजपा का एक हम सब का। वो कानून सुपर कैसे है, क्योंकि संविधान वो कुचलना चाहते। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि भारत में वोटिंग ईवीएम से होगी। मैं सबसे जानना चाहता हूं, ईवीएम अब बैलेट पेपर किसी से भी कराने का चुनाव आयुक्त को पूरा अधिकार, अगर कहीं बैन है तो दिखाए, हम उसके लिए सेल्फी डाले। हमने पढ़ा, मेरे पढ़ाई में कहीं समझ नहीं आया कि केवल ईवीएम से होगा, तुम्हारी तानाशाही कैसे चलेगी। इसीलिए विचार गोष्ठी बैठाई गई है, हम आप सबसे राय लेके अब मैदान में चलना चाहते हैं, आपके घरों में आना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि धर्म के आड़ में उसने आपका आरक्षण छीन लिया, खुश हो गए सबकी महिला फिर ला दिया। बताइए उसमें महिलाओं में पिछड़ों और मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण कहा, महिला खुश ऐसा ही कहता कहा हमने आए, इतना राम राज्य ला दिया। राम राज्य में सुपनखा का नाक काटा गया था, सबके नाक काटे जा रहे। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म के पीछे छुपा है, करूं क्या, उसको मारा कैसे जाए, वो धर्म के आड़ में छुपा, उसे कान पकड़ के बाहर लाओ तो समझ आए। वो सीधी लड़ाई मोदी या बीजेपी आरएसएस में लड़ने की क्षमता नहीं है, आपकी पुलिस, आपकी फौज, आपकी सीआरपीएफ, आपकी सीडी, ईडी, सीबीआई के बल पे वो गरज रहा है। कारगिल में हमारे घर के बच्चे लड़ते हैं, कितने उनके घर में शहीद हैं, हमारे कितने रिश्तेदार परिवार के लोग सेना में रहे, लेकिन वो कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। शायद हम लोग यहाँ आज सारे वकील भाइयों ने जो मीटिंग की थी, इसलिए कि जनता, नेता और सारी पार्टियों के भाइयों को बुलाया था समझा जाए कि ये हटेगा कैसे, ईवीएम से हटेगा कि लाठी से हटेगा, दोनों तैयारी करनी पड़ेगी। अब पहली लड़ाई तो ईवीएम है, कुश्ती यही फाइनल है, अगर ईवीएम से हुआ तो जीतेगा, अगर ईवीएम से नहीं हुआ तो हारेंगे। अब फैसला आपको लेना है कि क्या ईवीएम की लड़ाई को हमें अच्छे ढंग से लड़ना है या औपचारिकता करके रुकना पड़ेगा। लेनिन ने कहा था, सटीक बैठती है, आज जब हमें ताल ठोक के चैलेंज देने लायक होना चाहिए था कि मोदी मैदान में आओ हम तुम्हें भगा के देखेंगे, तो आज हम गोष्ठी अभी कर रहे हैं और लड़ाई के मैदान में पूरे हर मोर्चे पे तैयारी कर लिया है। 22 जनवरी को उन्होंने मंदिर की स्थापना की, धर्म की स्थापना नहीं की, अधर्म की स्थापना की। सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, वहां तो नफरत किया, भारत कुटुंबकम भी नहीं किया, नफरत का शिलान्यास किया। जाके हिंदुस्तान की गलियों गलियों में देखो, पताका फहरा रहे हैं, वो चिढ़ा रहे हैं, और हिंदू खुश है कि मुसलमान को चिढ़ा रहा है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, नहीं समझ पा रहे हो दलितों पिछड़ों की हार पर अगड़ों की जीत का 22 जनवरी को जश्न था। मोदी हंस रहा था कि देखो ये दलित पिछड़ा ताल ठोक के, दारू पी के, झंडा लेके गलियों गलियों में घूम के ये जान रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ जश्न है। वो तो है ही, इधर दलितों पिछड़ों को जो पछाड़ दिया, सारा आरक्षण छीन लिया, इसका भी जश्न कि तुम्ही से तुम्हारी हार पे ताली भिजवाई, दारू पीवाई। चलो धर्म की बात, भारत का बुद्ध जी भी तो पंडित है, ब्राह्मण, सनातन धर्म पे ब्राह्मणों का ठेका है। सनातन धर्म को उसने 22 जनवरी को नष्ट किया, नरेंद्र भाई मोदी ने सनातन धर्म को 22 जनवरी को नष्ट किया। मैं दो बार बोल रहा हूं, इसलिए किया क्या,
कहता है जब मंदिर पूरा नहीं बना है, पहली बात तो मंदिर ही गलत है, मंदिर का फैसला ही गलत है, लेकिन अगर मंदिर बना तो पूरा बना होता तो आप शिलान्यास करते। चार चार शंकराचार्य जो मठाधीश है वो विरोध कर रहे हैं। इन्होंने शायद मैंने देखा नहीं है कि तीन मूर्ति अपनी लगाई है, चौथी भगवान की। तो मोदी ने अपना धर्म स्थापित किया, शंकराचार्यों ने इस बात को जान लिया। जब वो जान गए तो चारों शंकराचार्य वहां नहीं गए कि मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगा। दो धर्म बना, पहले हिंदू धर्म अपराधी सदा से रहा है, पहले जैन धर्म बना जब इसमें ज्यादा बुराइयां आ गई, फिर बौद्ध धर्म बना, कबीर पंथी और बहुत सारे पंथ बने, अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लास्ट में आइए, 22 जनवरी को सनातन धर्म दो टुकड़े में फिर हुआ। एक मोदी के मतावलंबी, जिसे अंधभक्त कह सकते हो, और एक सनातन धर्म के मतावलंबी जो जगत गुरु शंकराचार्य के हैं। अयोध्या जितने गए थे सारे अपराधी थे, सबका कच्चा चिट्ठा खोलो, आसाराम के चेले, पलटू राम के चेले सारे गए थे, और जितने धर्म में आस्था रखते मैं भी नहीं गया था। और मैंने मना किया था, 22 जनवरी का मेरा वीडियो देखो, मैंने मना किया था कोई भी सनातन धर्मी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कोई इशारा करता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम उस पर अपना विचार रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बर्बाद हो गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बना बर्बाद हो गया, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, चौकीधारी होते हैं मोदी जी की तरह। अगर ऐसे विकास किए होते मैं भी कहता इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसलिए हम विरोध करते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। साथियों, हम इसी मिट्टी के बने हैं और इसी मिट्टी में मिलेंगे। उसने सब कुछ हमारा छीन के हमको लड़ाया। वो मुस्लिम पे सीधा प्रहार करता है, पिछड़ों पे पीछे से वार करता है, क्योंकि कम पड़ जाएंगी संख्या उनकी, तो मिला के मारता, जैसे नीतीश को मिला लिया मार देंगे ऐसे। दलितों को दबाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है। जो 24 है ये उनका इरादा है कि इन सबको तोड़ फोड़ के, क्योंकि मुस्लिम तो बहाना है, उसका मकसद दलितों को दबाना है, पिछड़ों को लड़ाना है, हिंदू और मुस्लिम में दंगा करवाना है, क्योंकि 24 में दिल्ली की कुर्सी पे उसका निशाना है। कैसे हटाओगे? ईवीएम उसके हाथ में, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, कैसे करोगे? पुलिस लगा देगा। शिबु सोरेन, हेमंत सोरेन साहब झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत की सरकार, आज भाषी है, पसंद नहीं आ रहा, दिखा रहे कि मैंने ऊपर राष्ट्रपति बैठा दिया, राष्ट्रपति बैठा दिया आदिवासी, मंदिर में नहीं घुसने दिया। अब कहने का मतलब ये बीजेपी और आरएसएस कानून से ऊपर है, वो दंगा करते हैं, उनकी पार्टी का सांसद इंटरनेशनल बेटियों को जो खिलाड़ी है छेड़छाड़ के बाद बाहर घूम रहा है, और लोगों पे बहाने ढूंढे जा रहे हैं किस आधार पे इनको जेल भेजा जाए। इनको सारा घोटाला लालू जी के घर में दिखता, सारे घोटाले लालू जी के घर में है। कोरोना में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, दूसरा ये जो है नोटबंदी से बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अब विषय आती है, इन सारे अत्याचारों से मुक्ति कैसे मिले? मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा संविधान चाहिए, कैसे मिलेगा? इस पर एक कार्यक्रम रखा गया है, और मैं चाहूंगा श्री विष्णुदेव यादव जी आए।